नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, मूवी कंतारा रिलीज के आज पूरे 14 दिन कंप्लीट हुई है और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कंतारा मूवी के 14 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, कंतारा मूवी के कलेक्शन को बताने से पहले आपके जानकारी के लिए बता दे, कंतारा मूवी ऑलरेडी हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हुई है सिंगल कन्नड़ा भाषाओं के साथ ही। ऊपर से ये मूवी कल से यानी 14 अक्टूबर से हिंदी पे भी रिलीज होगी और परसों से 15 अक्टूबर से ये मूवी तमिल, तेलुगु और मलयालम पे भी रिलीज होगी। तो ऐसा लगता है कंतारा मूवी के कलेक्शन अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी दोस्तों पैन इंडिया धमाका होगा, लगभग सभी को इंतजार था इस मास्टरपीस का। फाइनली बिग स्क्रीन पे रिलीज होने लगे हैं मास्टरपीस कंतारा। ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है दोस्तों इस मूवी के लिए। ऋषभ शेट्टी नॉट ओनली एज ए हीरो इस मूवी के अंदर, बल्कि इस मूवी को डायरेक्शन भी दी है ऋषभ शेट्टी ने ही। और कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों, मूवी ने अपने फर्स्ट वीक यानी 7 डेज पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे टोटल नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 30 करोड़ 30 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, कंतारा मूवी ने अपने फर्स्ट वीक यानी 7 डेज में शुरुआती 7 दिनों में इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 30 करोड़ 30 लाख रुपए। बात की जाए मूवी के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की तो दोस्तों, कंतारा मूवी ने अपने 8वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5 करोड़ 80 लाख रुपए। मूवी ने अपने 9वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 8 करोड़ 15 लाख रुपए। मूवी ने अपने 10वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 9 करोड़ 65 लाख रुपए। मूवी ने अपने 11वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5 करोड़ 13 लाख रुपए। मूवी ने अपने 12वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5 करोड़ 8 लाख रुपए। और मूवी ने अपने 13वें दिन यानी कल इस मूवी ने इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 4 करोड़ 70 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 14वें दिन यानी आज की कलेक्शन की तो दोस्तों, रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार कंतारा मूवी आज भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करने लगे है पूरे 4 करोड़ रुपए सिर्फ नेट कलेक्शन, जो कि पहले दिन से भी कई गुना ज्यादा। और इसके साथ दोस्तों, मूवी के 14 दिनों का टोटल इंडिया पे नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 72 करोड़ 81 लाख रुपए। वही दोस्तों, मूवी के 14 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन हुई है पूरे 91 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की तो दोस्तों, मूवी ने अपने इन 14 दिनों में टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कमाई की है पूरे 7 यानी 7 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, जहाँ पे मूवी ने अपने 14 दिनों में इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन किया है पूरे 91 यानी 91 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने अपने 14 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 7 करोड़ रुपए। यानी ऋषभ शेट्टी स्टारर मूवी कंतारा ने अपने इन 14 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है पूरे 98 करोड़ यानी 98 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है कंतारा मूवी के 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन, जो कि हुई है पूरे 98 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, कंतारा मूवी कल 100 करोड़ के क्लब भी पार कर लेगी। आपसे उम्मीद है आगे के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए बता दें, इस मूवी की हिंदी एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हुई, आप एडवांस बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।